राम राम भाइयों, यो मंच से वित्त कुंडकार, मैं हूं थारा भाई मैनेजर। और भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों पिछले दो वीडियो में हमने आपने बताई थी कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है, सिबिल के होता है, के फायदे नुकसान है, और फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले मैं आप लोगों का गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भैया का बहुत बहुत मेहरबानी। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ITR, जिसकी फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों हर आदमी अपने जीवन में किसी न किसी माध्यम से कुछ कमाई करे, अगर कोई रेंट की इनकम, मतलब कोई अपना मकान मकान किराए किराए दे रखे हो, दुकान किराए दे रखे हो, किसी का अपना बिजनेस हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कोई किधर नौकरी लाग रहा हो, कोई एग्रीकल्चर की इनकम हो, तो हर आदमी की जो है कुछ ना कुछ इनकम होया करे, सोर्स होया करे। ठीक है, हर साल बजट में सरकार घोषणा करती है कि भाई कितनी थारी इनकम जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, कितनी इनकम टैक्स के बाहर है। तो वो जो स्लैब घोषित कराया करे, जो दायरा घोषित कराया करे, जो लिमिट घोषित कराया करे, उसके अनुसार हमने इनकम टैक्स का न्यू देखना पड़ेगा कि हमारी इनकम जो हुआ इनकम टैक्स के दायरे में आवे है कि ना आती। ठीक, कई आदमी ने सोचे कि ITR भरा करे ना जो हम हर साल, उसका मतलब यू हो भाई हमने इनकम टैक्स देना ही देना पड़ेगा ना। भाई बिल्कुल गलत बात है, वो स्लैब के अनुसार देख लो कि सारी इनकम टैक्स में आवे है कि ना आती। ठीक है, जो वर्तमान के जो स्लैब है वो मैं बता देता हूँ कि भाई 2.5 लाख तक अगर हमारी इनकम है तो हमने कोई टैक्स ना देना मेरे भाइयों, और 2.5 लाख तक 5 लाख से तो 5% टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख तक अगर 10 लाख है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, और भाई 10 लाख तक ऊपर है तो हमने 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक से भाई, अड़ा भाई क्लियर बात। ये बात कर ले हम सीनियर सिटीजन की, जिनकी उम्र 60 साल तक 80 साल के बीच में है, तो जो अपनी 2.5 लाख की इनकम थी वह उनकी 3 लाख तक ही फ्री है। ठीक, उसके बाद भाई न्यू स्लैब चालू हो जाएंगे जो था ही बताई थी। और भाई जो सीनियर सिटीजन 80 साल तक ऊपर हैं उनकी 5 लाख तक इनकी भी इनकम पर कोई टैक्स को नहीं भाई। ठीक है भाई, हर साल इनकम टैक्स की एक साइट है, उस पर जाकर यो ऑनलाइन जो है या भरी जाया करे, और बहुत सिंपल सा जो है इसका प्रारूप से। ठीक से, और भाई कई आदमी ने डर भी फैला दिया करे कि भाई हमने एक बार भर दी तो भर दी और फिर हमारा टैक्स चालू हो जाएगा ना। भाई अपने स्लैब के अनुसार देख लियो, और उसके अलावा भी भाई साहब जो कर हम जो LIC करवाया करा, बड़का ने जो अपना एजुकेशन लोन ले रखा हो, बड़का की जो स्कूल की फीस है, ट्यूशन फीस है, वह अपना होम लोन की तो हमने दान धर्म कर दिया हो, कई चीज ऐसी हैं जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होती हैं। जैसे मान लो, सपोज करो कि भाई हमारी 2.5 लाख तक तो वैसे इनकम फ्री है, उसके बाद मान लो हम बड़का की ट्यूशन फीस भरा, हाँ हमारा LIC है, हमने कोई दान धर्म कर रखा है, तो वो सारा मिलाकर 1.5 लाख तक ही, और मान लो जो इनकम टैक्स फ्री है तो 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख मतलब 4 लाख पे हमारा कोई भी जो है वो टैक्स ना लगे। ठीक दोस्तों, तो इस तक ग्राहक डरने की जरूरत को नहीं। और दूसरी बात, यो ना भरण के नुकसान तो भाई बहुत सारे हैं, और भरण का नुकसान ना एक। ठीक, अब मैं बताऊं अपने इसके नुकसान फायदे। अगर आप इनकम टैक्स भरो हो तो सबसे पहले तो आप ईमानदार हो। ठीक, अब भाई हम टैक्स ईमानदारी से अपना पे करा हाँ। ठीक, और सारी उम्र जो है 99 का हेर फेर में हमने कोई जरूरत को नहीं भाई लगने की। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आसानी से हमारा लोन हो जाएगा किसी बैंक में जावा तो। और भाई तीसरी बात यह है कि हम जो है अपने इनकम का जो एक टैक्स जो पे करते हैं वो हमारा देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा देश का जो विकास है उसमें अहम योगदान दे से दोस्तों। तो इस तरह डरने की कोई भी जरूरत को नहीं भाई। तो यो है आज का ज्ञान, इनकम टैक्स क्या होता है। ठीक है भाई, मोटा मोटा समझ लिया हुआ, और वीडियो लेकर हम आप दूर आवेंगे। तो भाई चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं हूं थारा मैनेजर, और यो मंच है वित्त कुंड का।